बज गया 8 और आज की ब्लॉगिंग स्टार्ट हमने शाम के 8 बजे से की है, रात के 8 बजे से की है। और जो है आज हमारे यहाँ स्पेशल बन रहा है खाने में। क्या बन रहा है स्पेशल में, दीदी बताएगी आपको। हम लोग मंचूरियन बना रहे हैं और उसके साथ आप देखो क्या मिक्स करते हैं। मंचूरियन तो बनी रहे ग्रेवी वाला, उसके साथ खाते हैं, चलते चलते पता चलेगा। और माई का कर रही है पढ़ाई। माई यहाँ क्यों गई बेटा? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मंचूरियन बनाने के लिए मैंने पहले मंचूरियन बॉल बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने वेजिटेबल चॉप कर दी हैं। शिमला मिर्च, गाजर और पत्ता गोभी फाइन चॉप कर लिया है और कुछ थोड़ा मैंने सेपरेट निकाल लिया है। उसमें मैंने नमक डाला और उसको अच्छे से मसल के पानी निचोड़ लिया, सारा पानी निकाल दिया उसका। इससे ना क्या होगा कि ईजी हो जाएगा बॉल्स को शेप देना, अदरवाइज पानी उसमें कुछ भी डालूंगी तो वो जो है सारा मेल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम पानी निकाल लेंगे, उसके बाद इसमें बाकी के मसाले जो भी मुझे इंग्रेडिएंट्स डालने हैं वो मैं डालूंगी। तो सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें मैदा, 1 बड़ा चम्मच मैदा डाल दिया मैंने इसमें। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी काली मिर्च, 1 छोटा चम्मच, मतलब कि चाय का चम्मच जो होता है टीस्पून काली मिर्च डाल दिया है। उसके बाद इसमें मैं डालूंगी नमक, क्योंकि जो पानी नमक डाला था ना वो सारा पानी निकल चुका है, तो अब नमक भी कम हो गया इसमें। और इसमें मैंने फाइन चॉप करा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च भी डाल दिया है, ये मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। तो सब मैंने इसमें कुछ पीस के नहीं डाला, सब चॉप किया हुआ है। तो इसमें ये मैंने कॉर्न स्टार्च डाला है थोड़ा सा, ताकि क्रिस्पी बने। और कॉर्न स्टार्च डालने के बाद मैंने इसमें एक सोया सॉस डाला है, 1 टेबल स्पून सोया सॉस। अब इसको सबको मिल के अच्छे से मिक्स करके बाइंड कर लूँगी। बाइंड करने के बाद ये सब बाइंड हो जाएगा तो इसके मैं छोटे छोटे बॉल्स बना लूँगी। बॉल का साइज़ थोड़ा छोटा रखूँगी, क्योंकि जो ये थोड़ा सा तलने के बाद में थोड़ा सा अपनी शेप बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इनको गोल्डन होने तक फ्राई करूँगी और मीडियम टू स्लो फ्लेम में ही रखूँगी फ्राई करने के लिए। ज़्यादा तेज़ आँच में ये जल जाते हैं ऊपर से। ये जो नॉर का है मंचूरियन मसाला, ये मैंने लेके आई हूँ कि ईजी हो जाता है इससे करना। तो इसको क्या करना है, पानी में डालना है, पाउडर खाली करना है। उसमें वैसे सारी डायरेक्शन दी होती हैं किस तरह से यूज़ करना है इसको, पर पानी में घोल देना है इसको पानी डाल के। और अब उसको फिर थोड़ी देर बाद क्या करना है, मैंने तेल रखा है जो पहले बॉल्स फ्राई किए थे ना उसी कढ़ाई में तेल रखा है। उसमें मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्च का जो चॉप किया हुआ था बचा के मैंने साइड में रखा था ना उसको डाल दिया है। ये अदरक लहसुन जो हल्का हल्का, इसमें कुछ भी ज़्यादा पकाना नहीं है, ज़्यादा कुक नहीं करना, सब कुछ हल्का फ्राई रखना है, सेमी कुक रखना है इनको, सारी सब्जियाँ जो भी डलेंगी। तो इसके बाद जो मैंने बची हुई सब्जियाँ थी शिमला मिर्च, गाजर और पत्ता गोभी, इसको भी डाल दिया है और सबको सिर्फ सॉटे करना है। अब मैं इसमें 1 चम्मच सोया सॉस डाल दूँगी, अंदाजे से डाल रही हूँ सारी चीज़ें, और रेड टमाटो सॉस वो डाल दूँगी। अब मैंने इसमें जो है नॉर का ग्रेवी डाल दिया है जो मैंने पानी डाल के बना रेडी की है, उसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर दिया क्योंकि थोड़ा थिक हो जाएगा थोड़ी देर बाद। और उसके बाद मैंने इसमें बॉल्स डाल दिए हैं, बॉल्स डालने के बाद इसको अच्छे से बॉईल आने के 2-3 मिनट कुक करके बंद कर दूँगी। तो तेल चढ़ा दिया है पैन इसमें, अब बड़ी वाली कढ़ाई निकल गई है आज जस्ट बिकॉज ऑफ हर। इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है, दिख रहा है ना। और ये सब्जियां मैंने काटी हैं, प्याज, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, ठीक है। और यहाँ पे जो है, इधर दिखाओ भाई कैमरामैन, ये जो राइस है ये मैंने बॉईल करके, मतलब 90% कुक्ड राइस है ये, पर ये जो है लंबा वाला बासमती नहीं है, छोटा वाला है काम चला। तो यहाँ ले आओ कैमरामैन, बन बनी पता नहीं है। तेल चढ़ा दिया, कढ़ाई दिखा दो भाई, मैं चाह रहा ना दिखाओ। तेल चढ़ा दिया है, ये सारा प्रोसेस जो है फटाफट होगा क्योंकि चाइनीज़ जो है तेज आंच में बनता है हमेशा। तो ये गया इसके अंदर, ओके ओके गाइस, ओके। ये देखो इधर, ये हमको से कुछ भी प्रॉपर कुक नहीं करना है, सब थोड़ा सेमी कुक करना है। ऊपर दिखाओ ना सब्जी को। तो ये जो प्याज है मैं इसको डालूंगी इसमें, कुछ भी प्रॉपर कुक नहीं करना है इसमें। ये सब कटिंग मैंने कर रखी है खड़ा, और सब कुछ जो आप काटोगे ना वेजिटेबल वो सारा जो है चॉप्ड होना चाहिए, क्यूबिकल होना चाहिए बिल्कुल, जैसे मैंने किया गाइस, है ना, इस टाइप से, ठीक है। तेज होनी चाहिए आँच, इसी स्टेज पर हम नमक ऐड कर देंगे।
इसमें ज़्यादा तीखा मैंने डाला नहीं इसमें, क्योंकि मिस मायका जो है अच्छा नहीं करती है। ठीक है, ये प्याज है, अब इसमें जाएगी शिमला मिर्च, फटाफट सॉटे कर लेंगे। सारी सब्जियां सिर्फ सॉटे करनी है, कुक कुछ नहीं करना है। ये वैसे मैंने अपने ब्लॉग में पहले भी डाला हुआ है, पर लेकिन अब इसमें सारी पत्ता को भी डाल देंगे, थोड़ा सा दूर करके बंद कर दिया। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ये स्टर फ्राई सॉस है और ये है आपका डार्क सोया सॉस। तो आप इन दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं, आप सोया सॉस भी डाल सकते हैं, पर मैं सोया सॉस नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि पास ये है इसलिए मैं इसको डाल रही हूँ। दरवाज़ा आप ये भी डाल सकते हैं, दोनों का पर्पस सेम ही होता है। ये थोड़ा सा थिक होता है सोया सॉस से, बाद में डालूंगी चिंग्स का सेजवान फ्राइड राइस मसाला। ये राइस इसके बाद दिख रहा है, ये राइस है, तो मैं राइस डालूंगी इसमें। राइस देखिए बिल्कुल एक एक दाना अलग अलग हुआ है, हालांकि ये मेरा फुल बासमती नहीं है। तो ये फ्राइड राइस रेडी हो गए, इनको थोड़ा सा ढक्कन मार देंगे थोड़ी देर के लिए इसको। तो मंचूरियन भी हमारा रेडी है, सही है। तो चलो भाई, नंदन की प्लेट रेडी है। आप, मैं क्या बोल रही हूँ आपको, ये वो है मंचूरियन। आज मैंने आपको स्पेशल डिमांड पे आपके लिए ना चाइनीज बनाया। ओके, चाइनीज। हाँ, ये लो मायका, मैं हूँ मायका। अंत आपको कैसे है? मैं मायका बोल रही हूँ कि आपको मम्मी का इंस्टाग्राम है, आप खाना खाइए। तो गाइस, अगर मैंने भी सीखी है मंचूरियन बनाने की रेसिपी, तो भाई मैं आपको दूसरा वाला ब्लॉग में दिखाती हूँ उसका बनाने का तरीका या दूसरा तरीका। हाँ, दूसरा तरीका है वो, दूसरे ब्लॉग में ये मायका बताएगी दिखाने का, बनाने का तरीका। ये मंचूरियन है। हाँ, मंचूरियन पसंद आया? हाँ, एक्चुअली आज जो बनाई ना रेसिपी, या अनीता को इसकी रेसिपी देनी थी इसलिए भी बनाई है, और उसने एक नया आइटम सीखा है चाइनीज़ में, तो उसको पसंद भी आया, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और अब हम भी ट्राई करते हैं, हमारे साथ आप भी ट्राई करें। कमेंट बॉक्स भर दो। तो चलिए अब मैं भी ट्राई करती हूँ और आप भी मेरे साथ ट्राई कीजिए। अरे मैं भी खिला रही हूँ उनको, हैं? वो एक्सचेंज कर लिया पापा के साथ। हाँ, ये भी दे दूंगा आपको, कोई नहीं। ये खाने दिया तुमने? हाँ, तो मेरी भी छील के दे मेरे को। चॉकलेट कभी कभी टेस्ट अलग होता है। हाँ, ये भी मिली ना। आइसक्रीम खाऊंगी, कश्मीर जाऊंगी। काव जल्दी गिर जाएगी तुम्हारी आइसक्रीम, प्लेट लगा लो पहले नीचे। चलो प्लेट लगाओ। अपनी कैसी हो रही है यार, मेरे को दिखा दो ना एक बार अपनी कैसी हो रही है।
थोड़ा सा खाया मैंने, मैं पापड़ अच्छी हो रही है, मेरे को दे देना एक बार और। और खाना हुआ तो मेरे को चाहिए, ठीक है एक बार मुझको हिलाना। बड़ा बड़ा पूछ मार रही है। अंता खाओ, बैठते हैं अपने बड़े, मैंने भी तो आपको देती हूँ। कल अनीता की शॉपिंग होगी, कल नहीं तो तेरी शॉपिंग होगी और फिर तू दोबारा से आइसक्रीम की ट्रीट देगी। मतलब ये तो आज तो मेरी तरफ से थी आइसक्रीम की ट्रीट, अगली बार तू देगी। कल कल भी मेरी तरफ से नहीं थी, कल भी मेरी तरफ से थी, परसों भी मेरी तरफ से थी, बस तूने अभी तक एक दिन खिलाया ना फिर आइसक्रीम की ट्रीट, अब ट्रीट अब कल दूसरे दिन होगी। हाँ मैंने सुन लिया था, ये ट्रीट तो मेरी तरफ से, तूने सिर्फ एक ही दिन अभी तक आइसक्रीम की ट्रीट दी जब से तू आई है। दो दिन कब दी? एक ही दिन तू पंजी पंजी इकट्ठा करके लेके गई थी नीचे तभी दी थी। हाँ उसी दिन तो पंजी पंजी ले गई थी, कल भी कराई गई। खाली बातों में कार्डियो मंगा लिया ना तेरे को जो दिल बड़ा है, कार्डियो मंगा लिया ना तेरे को जो दिल तेरा बड़ा है। तू ना सिर्फ ना एक ही दिन कराई है और अब कल कराएगी। यार मेरी आइसक्रीम खत्म हो गई है, तो कोई मुझे अगर देना चाहता अपनी आइसक्रीम नहीं खाई जा रही तो दे दो। देखो भाई तुम बोल रहे थे तुम अपनी आइसक्रीम दे दोगे नहीं खा पाओगे, दे दो ना, तुम्हारे को गला खराब हो जाएगा इसी में रात को सोने में। अरे नहीं खाते यार ये बर्फ वाली आइसक्रीम, मेरे को पता ना नहीं खाते कैसे मांग रही है, देख पिघल जाएगी अभी, फिर कौन खाएगा पिघल के। पिछले टाइम पे दे दो वापस, 80% खा चुको वही तो, इधर कितनी बची है, जानबूझ के आ गई मेरे पास खाना खाने नहीं, तुम अभी पिघल जाएगी और तुम इसे खा नहीं पाओगे, पिघल जाएगी बर्बाद हो जाएगी, उससे पहले मेरे को दे दो। देख रहे ले लो फिर दे दो, पिघल जाएगी यार ये बर्बाद हो जाएगी। तुम अपने हिस्से का लाए था, खा देना हाँ। तो इनके कोऑर्डिनेट इनके पोती ले अरे तो उस टाइम पे वो खा लेते। मैंने सोचा था कि ये मैं खा लूंगी, मायका नहीं खाएगी तो मैं खा लूंगी, और इन्होंने चौबार मना कर दिया और इन्होंने ये वाली खा ली। इसको तो मजा कुछ और है, तेरे को तो मैं बुद्धू बना है, रखी ले गया था उसकी पकड़ा दी। अच्छी है ना, मैं तुम कुछ भी खा रहे हो अच्छा होता बेचारी के लिए। दे दो यार एक बार तो टेस्ट करा दो बस, तू बस मुंह देख ना। मैं कहनी आप खा लो बेटा, मेरे को नहीं खानी, आप खा लो बेटा प्लीज प्लीज बेटा आप खा लो। थैंक यू मेरा बच्चा, की नजर इस वाली आइसक्रीम पे है। मैं आप मांग लो वापस एक बारी, क्रंची मान ले दिखाओ। दे दो ना यार मेरे को भी। चींग खा ली, पूरी का एक खा ली, पता है माइक अंता ये गुंडा कर दिए, पता है चींग खा के, वो गाना नहीं है हर मैदान हर मैदान फतह। अच्छा अच्छा कल हम ये वाली खाएंगे, कर हर मैदान फतह। लो बेटा
मैं लाइट है मत चला हो जाती।